दोस्तों सब्सक्राइब करें हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज बात करेंगे हम स्टील वाटर फिल्टर की। स्टील वाटर फिल्टर में कहीं दो कैंडल यूज़ होती है तो कहीं तीन कैंडल यूज़ होती हैं। ये दो तरह की कैंडल्स होती हैं, एक स्लिम टाइप होती है और दूसरी लार्जर और बिगर साइज़ होती हैं। तो दोनों का अपना अपना यूज़ है, तो अपना अपना ही एप्लीकेशंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर फिल्टर में जब हम कैंडल्स डालते हैं तो उनको अच्छी तरह से वार्म वाटर से वाश करना चाहिए, और वाटर फिल्टर जो स्टील के कैबिनेट है उनको भी वाश करना चाहिए ताकि उसमें किसी तरह की कोई डस्ट या और कोई बैक्टीरिया ना हो। इसलिए हमें अच्छी तरह से वाश आउट करना चाहिए, और इसको यूज़ करने से पहले दो बार पानी जो है फ़्लो आउट करना चाहिए भरने के बाद, और फिर यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करते हैं, नए वाटर फिल्टर को कैसे असेंबल करना है, क्या क्या ख्याल रखना है उसके बारे में बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले केयरफुली इसका वाटर फिल्टर का ढक्कन साइड पे रखिए, और दो कैंडल्स इसकी निकाल कर हमने साइड रख दी है। और अब इसका जो लोअर और अपर कैबिनेट है स्टील का, उसको हम जो है मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो करना है इसकी टेप जो है टाइट करनी है पानी निकालने के लिए, जिसे हम नल भी कहते हैं, टूटी भी कहते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम कैंडल्स फिट करेंगे। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट पार्ट है टेप का, तो टेप को अच्छी तरह टाइट करना है, और टाइट करने के बाद पानी डालकर चेक भी करना है कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है। जब भी आप कस्टमर को कोई नया यूनिट सेल करें तो उनको ये सारी ट्रेनिंग ज़रूर दें कि इसको अच्छी तरह से टाइट करें, और जो कैंडल्स है वो केयरफुली टाइट करें। दो कैंडल्स नहीं दोगे, ज़्यादा ओवर थ्रेडिंग करेंगे या बिना केयर के पकड़ेंगे तो टूटने का ख़तरा रहता है कैंडल का। तो इसलिए दोनों कैंडल्स को आराम से डिब्बे में से निकाल कर चेक कर कर, और एक बात और, इसको मैंने पहले ही बताया कि इसको बारम वाटर से वाश ज़रूर करना है, और वाश करने के बाद जो है फिर इसमें दो बार जो फ़िल्टर है पानी होकर नीचे स्टोर होगा तो उसको फेंक देना है, वाटरिंग के लिए यूज़ कर लेना है, उसके बाद इसको पीना शुरू करना है। तो ड्रिंक वाटर, स्टे हेल्दी, और अच्छी जगह ऊंची जगह इसे रखिए ताकि बच्चों की पहुंच से दूर है, नहीं तो बच्चे कई बार शरारती होते हैं, वो गिरा देते हैं फ़िल्टर को, तो कि इसकी कैंडलें टूटने का ख़तरा रहता है। और हर 6 महीने के बाद इसकी कैंडलें जो हैं चेंज करते रहें। और सब्सक्राइब करें हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, शुद्ध पिएँ, स्वस्थ रहें। और इसके कुछ और मॉडल जो हमारे इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में आते हैं वो भी मैंने इसमें पिक्चर्स ऐड की है, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें, और अगर और नोटिफिकेशंस आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।